अस्सलामुअलैकुम, वेलकम वेलकम टू वुमेंस कॉर्नर। आज हम जी बनाने जा रहे हैं अपने किचन में मैंगो जैम। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान है बनाने में। और इसके लिए जी मैंने यहाँ पे लिए हैं 3 अदद आम, उनका मैंने यहाँ पे पल्प निकाल लिया है। इसके अलावा यहाँ पे 125 ग्राम मैं चीनी इस्तेमाल कर रही हूँ, आप उससे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और साथ यहाँ पे मेरे पास है 1 टेबल स्पून लेमन जूस। से पहले हम एक आप कढ़ाई ले लें या पतीला ले लें, उसके अंदर हम इसको ऐड करेंगे। अब तकरीबन यहाँ पे हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए कुक करेंगे। अभी आपने यहाँ पे चीनी या लेमन जूस ऐड नहीं करना, फ्लेम आपने दरमियानी रखनी है और इसको मुसलसल हिलाते रहना है। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं इसको पकाते हुए। अब हम यहाँ पर चीनी ऐड कर देंगे, को अच्छी तरह से हम इसमें मिक्स करेंगे। तकरीबन 15 मिनट मज़ीद हम इसे कुक करेंगे। चीनी ऐड करने के बाद तकरीबन 10 मिनट हुए हैं इसे कुक करते हुए। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे लेमन जूस। बेसिकली जो लेमन जूस ऐड किया जाता है वो इस वजह से किया जाता है कि आप इसे कुछ दिन तक स्टोर कर सकते हैं। अब ये थिक हो चुका है, इसमें थोड़ा सा टाइम बाकी है। अब हम इसे थोड़ा सा और कुक करेंगे। ये थिक हो चुका है, ये आप देख सकते हैं जैम बनके बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रखेंगे, उसके बाद हम इसे किसी भी बर्तन में निकाल लेंगे। मैंगो जैम बनके बिल्कुल तैयार है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में ये तैयार हो जाता है। टोटल इसमें 3 चीज़ें ऐड होती हैं, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और हमें बताइएगा आपको कैसे लगा। बहुत ही कम टाइम में आप इसे आराम से घर में तैयार कर सकते हैं और कुछ दिन के लिए आप इसे स्टोर कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट तैयार हुआ है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आएगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our Oh,